डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर बैनर्जी, आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जय भट्टाचार्य जैसे डॉक्टर जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया और सुनीत्रा गुप्ता और मार्टिन कुलडॉर्फ के बारे में वो कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि एनआईएच के जो हेड हैं कॉलिंस, उन्होंने एंथनी फॉची को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि ये फ्रिंज एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं या फ्रिंज डॉक्टर्स हैं जो कि हार्वर्ड के हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं, उनको कह रहे हैं कि फ्रिंज डॉक्टर्स हैं और इनके ऊपर डिवास्टेटिंग आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी इमीडिएटली, इसको रोकिए, ऐसा एनआईएच का हेड कह रहा है। और वो किसको पत्र लिख रहा है? एंथनी फॉची को लिख रहा है। एंथनी फॉची की कैपेसिटी यह है कि वो एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट है, साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट है, उसको ये पत्र लिखा जा रहा है और ये बात पब्लिक डोमेन में, वो कह रहे हैं कि पत्रकारों को इल्यूजन में रखा गया या पॉलिटिशियन को इल्यूजन में रखा गया। आप भी क्या मानते हैं कि पत्रकारों को और पॉलिटिशियन को इल्यूजन में रखा गया? मैं ऐसा मानता हूं कि पत्रकार और पॉलिटिशियन दोनों इसमें पार्टी हैं। ये देखिए, इसमें एंथनी फॉची कंट्रोल करता है पूरा एनआईएच का फंड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो साइंटिस्ट का कैरियर पूरे वर्ल्ड में, मैं कह सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में वो कंट्रोल करता है, क्योंकि आजकल हर साइंटिस्ट को रिसर्च ग्रांट लाना पड़ता है और रिसर्च ग्रांट मेजर कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में तो बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है और वो एंथनी फॉची से अच्छा उनका रिश्ता है, और बाकी जितने भी एनआईएच गवर्नमेंट फंड्स है वो पूरा फॉची 40 साल से कंट्रोल कर रहा है। तो अगर ग्रांट नहीं मिलेगा तो कोई भी फैकल्टी को प्रमोशन नहीं मिलेगा, नौकरी में पीछे रह जाएगा और उनका रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा, तो साइंटिस्ट जानते हुए भी आगे नहीं आएंगे। और जहाँ तक आपने पत्रकार का बात किया, पत्रकार का भी जो गेट्स फाउंडेशन है, इन्होंने पत्रकार का बीबीसी वगैरह जितने भी मेजर न्यूज़ चैनल को भी इन्होंने फंडिंग किया है बिहाइंड द सीन्स, तो पत्रकार भी उसी इसमें है, उसी इसमें मजबूरी में है, मैं कहूँगा कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि साइंटिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये तो मेन चीज़ है, आजकल जो इन्फॉर्मेशन हाईवे है, आजकल इन्फॉर्मेशन ईरा है, इसमें जो कम्युनिकेशन जो कंट्रोल कर ले और उसको कैसे प्रोजेक्ट करे, वो प्रोजेक्ट करके एक इमेज बना दिया है, एंथनी फॉची को सेलिब्रिटी डॉक्टर बना दिया है, टाइम मैगजीन में आता था, उसके नाम से कप्स बनते थे, टी शर्ट्स बनते थे, कैप बनते थे, मास्क भी बनते थे, तो उसको क्या किया, एक इमेज पब्लिक माइंड में ऐसा किया, और जो पत्रकार वगैरह तो वो जो कहता था उसको लोग काफ़ी, पहली बार तो डरा दिया उसने कि ये बहुत ही घातक है, फिर आपके जो इम्पीरियल कॉलेज के जो मैथमेटिकल मॉडल बने, तो ये सभी उनको भी शायद सबको फंडिंग एक ही सोर्स से मिलता है, या तो गेट्स फाउंडेशन या एनआईएच। पूरे वर्ल्ड में इसके मैक्सिमम 80-90% ऑफ फंडिंग फॉर रिसर्च एंड अभी मीडिया को भी मिलने लगा है, मेडिकल जर्नल्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं इन लोग, मेडिकल जर्नल्स भी नैरेटिव ऐसे ऐसे चलाता है। अभी जो रिसेंट एक स्टडी पब्लिश हुआ मेडिकल जर्नल में कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उन लोग का ट्रैफिक एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है, बताइए, इस टाइप का भी स्टडी हो चुका है। तो ये इससे तो मतलब पूरा खिलवाड़ बना दिया है साइंस को।